आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी परफेक्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए कौन से एज ग्रुप में आपको कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ को परफेक्टली मेंटेन करने के लिए। क्या हमें रेगुलर टेस्ट मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए, क्या ये बार बार करवाने का जो खर्चा है क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए, इन सारे टेस्ट की क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, 3 महीने में कराना चाहिए, 6 महीने में कराना चाहिए, साल में कराना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ने पर या सिम्टम्स आने पर हम लोग टेस्ट नहीं करवा सकते। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। रूटीन टेस्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इनमें से सारे जो डिसीजेस, ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस जो हैं उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और जैसे आपको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो अर्ली डिटेक्शन होता है उसका काफ़ी एज होता है। इंडियन कल्चर, जेनेटिक्स और यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से काफ़ी सारे डिसीजेस पर्टिकुलर ग्रुप्स में कॉमनली पाए जाते हैं। और इस सब डेटा को देखते हुए इन टेस्ट को रूटीन टेस्ट में सजेस्ट किया गया है या एडवाइस किया गया है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें या फिर कोई और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देखें, तो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज है और काफ़ी सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो ये है वो काफ़ी कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से जो ये सारे रूटीन टेस्ट हैं वो मैंडेटरी बन जाते हैं और काफ़ी सारे डिसीजेस जो हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। इंडिया में ये सारे टेस्ट जो हैं वो वॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमारी मर्जी से अगर हम लोग करना चाहते हैं, हमको अगर अवेयरनेस है या हमको उसके बारे में अगर चिंता है तभी हम लोग उसको जाके करवाते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस जितनी क्रिएट करें उतना कम है इंडिया में। रूटीन चेकअप्स में पहला होता है आपके रेगुलर डॉक्टर विजिट्स। ज़रूरी नहीं है कि आप जब बीमार हो तभी डॉक्टर को विजिट करो, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको रेगुलर डॉक्टर विजिट्स ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई भी नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं है तो 6 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार आपको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपकी हाइट, वेट, BMI, अगर आप एडल्ट हो तो BP, ब्लड शुगर और बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके डेली रूटीन और आपकी डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में आपके जो डॉक्टर हैं वो सही सलाह आपको दे सकते हैं। बिलो 10 के अगर एज है तो पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट कर देंगे। बिलो 18 की जो एज ग्रुप है वो यूजुअली उनमें कोई फ्रीक्वेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस आपको कोई सिम्टम या कोई एबनॉर्मलिटी नजर आती है। आपको सिर्फ अपनी हाइट, वेट और न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान देना होगा और आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं ये देखना होगा। ये सारे एज ग्रुप्स और इनके जो अंडर जो टेस्ट आते हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जस्ट उसको कॉपी करके आपके नियरेस्ट लैब या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप उसको दिखा सकते हो। आपको 20s और 30s में पहले बताई गई रूटीन जो चेकअप है उसके साथ में आपको ये टेस्ट करवानी जरूरी है। डेंटल चेकअप एंड क्लीनिंग, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वेस्ट मेजरमेंट और हिप मेजरमेंट। मेल्स में टेस्टिस के सेल्फ चेक्स आपको करने हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट के सेल्फ चेक्स आपको करने हैं। ये चेक्स कैसे करने हैं आपको यूट्यूब में उसके गाइड वीडियोज मिल जाएंगे। सेक्सुअली एक्टिव लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज स्क्रीनिंग आपको करवानी है और विमेन में पैप स्मियर टेस्ट करवाने होते हैं। अगर आपकी एज 40s में है, यानी कि 40-50 है, तो पहले बताई गई सारे टेस्ट यानी कि 20s-30s की सारी जो टेस्ट हैं उसके साथ साथ इन टेस्ट को आपको रेगुलरली करवाना है। रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट type 2 diabetes, रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, फीमेल्स में मैमोग्राम आपको करवाना होता है, यानी कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडियोलॉजिकल असेसमेंट होता है, मेल्स के लिए PSA होता है, और रूटीन आई चेकअप्स आपको करवाने हैं। आपके 50s और 60s में और आपके 60s के अबव इन सारे टेस्ट के साथ साथ आपको कुछ और टेस्ट आपको करवाने हैं, वो है ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड टेस्ट, बोवेल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, विजुअल एक्यूटी टेस्ट और हियरिंग इम्पेयरमेंट टेस्ट। आइडियली इन सारे टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ईयरली वंस होती है। अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आपको डिटेक्ट होती है तो every 3 months आपको उसको रिपीट करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें अगर कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो उससे रिलेटेड और फर्दर टेस्ट होते हैं, उनको आपको कराने हैं जो आपके कंसर्न डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। इसके साथ ही अगर आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स अगर हैं या ओबेसिटी आपको है,
तो मिनिमम एवरी मंथ आपको रिलेटेड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो आपके रूटीन टेस्ट हो जाते हैं, आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट, आपकी रूटीन यूरिन टेस्ट, आपके ग्लूकोज लेवल्स, आपकी बीपी, आपका वेट, आपका बीएमआई, आपका एक चेस्ट एक्सरे, आपके एब्डोमेन की एक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये टेस्ट आप करवाएंगे रेगुलरली तो आपको मोस्टली 90% ऑफ द डिजीजेस इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे, या कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज है तो इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। फीमेल्स में इनके एडिशनल थायराइड टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर्स के जो टेस्ट हैं उनको रेगुलरली करवाना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारे टेस्ट को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल टेक्स्ट में डाल दिया है, उनको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए, आप उसे मैसेज में पेस्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली उसको आप लैब में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या आपके डॉक्टर से इनके जो डिटेल्स हैं वो आप पूछ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए हेल्पफुल था। आपको जान के हैरानी होगी कि आईसीयू में एडमिट होने वाले कार्डियक केसेस में 60% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको बीपी थी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। जाने से पहले एज यूजुअल एक कहावत, योर हेल्थ इज़ योर बिगेस्ट एसेट। आपका जो हेल्थ है या स्वास्थ्य है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि इसको कोई खरीद नहीं सकता है, इसको सिर्फ आप बढ़ा सकते हो, इसको मेंटेन कर सकते हो, इसको सिर्फ खोने के बाद ही आपको एहसास हो सकता है कि इसकी क्या कमी है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक और ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।